हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आर्यन आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुकास्ट एल टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे इस टैबलेट के बेनिफिट्स, यूज, डोज एवं साइड इफेक्ट के बारे में। उससे पहले दोस्तों, दवाइयों के बारे में जानकारी पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाले भी बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मुकास्ट एल टेबलेट जिसे क्लेंटिस कंपनी बनाती है, जिसकी 10 टेबलेट की प्राइस 170 रुपये होता है, जो कि आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगी। दोस्तों, मुकास्ट एल टेबलेट के कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इस टेबलेट के अंदर मोंटिलुकास्ट सोडियम 10 mg तथा लियोसिट्रोजिन डीहाइड्रोक्लोराइड 5 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। दोस्तों, मुकास्ट एल के अलावा अन्य पॉपुलर ब्रांड के बारे में बात करें तो मोंटिको, मोंटिना एल, लास्मा एलसी, लिकोप एम, वन एल एम, मोनसिट्रा आदि नाम से भी आप इस टेबलेट को खरीद सकते हैं। दोस्तों, मोंटू लुकास्टर के बारे में बात करें तो ये एलटी रिसेप्टर एंटीनागोस्ट है तथा लियोसिट्रिजिन एंटी एलर्जी या एंटी हिस्टामाइन ड्रग होता है, जिसका उपयोग सर्दी, जुकाम या बहती नाक छींके आना या नाक ब्लॉक हो जाना, बहुत ज़्यादा छींके, आँखों में खुजली या आँखों में पानी आना, नाक में सूजन, ट्रांसिल या कान में इन्फेक्शन या खुजली, दमा, अस्थमा, ये एलर्जी के कारण श्वास मार्ग में सूजन को भी कम करता है, जिससे सांस लेने में आसानी होता है। उसके अलावा दोस्तों, कॉमन कोल्ड या सर्दी में सांस लेने में दिक्कत होता है, उस कंडीशन में भी ये टेबलेट डॉक्टरों के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा ये दोस्तों, ये टेबलेट स्किन इन्फेक्शन के लिए भी बहुत लाभकारी है, जैसे कि खुजली, लाल चकत्ते, फंगल इन्फेक्शन या पूरी शरीर में जलन, खुजली या कोई कीड़ा काट लिया हो, उस कंडीशन में भी आप इस टेबलेट को उपयोग में ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों मुकास्ट एल टेबलेट के उपयोग के बारे में जानकारी। दोस्तों, अब जान लेते हैं डोज के बारे में। तो दोस्तों, दो डोज डॉक्टर की पेशेंट की कंडीशन को देखकर डिसाइड करते हैं। वैसे कॉमन डोज के बारे में बात करें तो ये ओडी देना होता है, यानी दिन में एक बार। दोस्तों, इस टेबलेट को नाइट में सोते समय एक बार दिया जाता है, जिससे इस टेबलेट को लेने से स्लीपनेस तथा डिजनेस बनी रहती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं प्रिकॉशन के बारे में, यानी सावधानी के बारे में। जो किडनी, लीवर, हार्ट या प्रेग्नेंट महिला या ब्रेस्ट फीडिंग महिला हैं, उसे इस टेबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि उपयोग कर रहे हो तो डॉक्टर की निगरानी में ही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, अब लास्ट में जान लेते हैं इस टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, यदि इस टेबलेट में उपस्थित कंटेंट से यदि आपको एलर्जी है तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, पेट दर्द, हेडेक, सिर दर्द, मुंह सूखना या गैस, अपच, पेट दर्द, ऐसा कुछ दिखे तो इस टेबलेट का उपयोग करना बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये था दोस्तों मुकास्ट एल टेबलेट के बारे में कंप्लीट जानकारी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। सो धन्यवाद दोस्तों।